चैनल वाई, चैनल वाई, अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल। करिए सब चल। सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब दे नाल एक होर बड़ी ठगी होण जा रही है जिहदे करके तुहानूं इह तकलीफ दित्ती है। आदतन हैबिचुअल ऑफेंडर जिस तरह कहिंदे है, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर, भगवंत मान जी की सरकार हरेक मसले के अंदर क्रैडिट लैण की कोशिश कर रही है। सब तो उची हरकत आप सारे ने देखी जदों हड़ आया पंजाब के अंदर, उस समय गुरु घर चो आए लंगर के उत्ते भी इन्होंने पिंडों के अंदर बाहर अपनी चौकियां बिठाती पुलिस से भी आ जिहड़ा लंगर अंदर लैके जाऊंगे उहदे फोटो साड़ी लगनी चाहिए है, भगवंत मान जी केजरीवाल साहब की फोटो उत्ते लगनी चाहिए है। उहदे बाद आपां सारयां ने देखा किस तरह आम आदमी क्लीनिक इस्टैबलिश किए गए, नैशनल हैल्थ मिशन के पैसों के तहत नाम बदल के नाम संस्करण करके इन्होंने उहदा क्रैडिट लैण की कोशिश की। उस चक्कर के अंदर पैसों का अज तई हैल्थ सिस्टम जिस तरह का कोलैप्स हो रहा है, वो हैल्थ सिस्टम के उत्ते भी मैं दो गल्लां बाद च करना चाहूँगा। इस तरह चाहे स्कूल ऑफ एमिनेंस की गल कर लो, अमृतसर के अंदर इन्होंने कोशिश की एक पुराने बने स्कूल में क्रैडिट लैके भी असी पंजाब का एजुकेशन सिस्टम सुधारन जा रहे हैं। उस कड़ी के अंदर काफ़ी अरसे तो इन्हों की कोशिश चल रही है आ जड़े आटा घर तक पहुँचाने की स्कीम चला रहे है। बड़े बयान लगे पहला भी हाई कोर्ट ने इंटरवीन करके इस फ्रॉड नू रोकण दी उन्होंने एक डायरेक्शन दी सी। हुण उन्होंने फिर नवे तरीके तो बड़ावें जे पा के उन्हों कोई ना कोई सरकमवेंट करके फिर दोबारा गुरु नानक देव जी दे उस प्रकाश दिहाड़े दे उत्ते फिर तो एक ठगी मारन की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझदा भी आ जिथे उन्हां दी सोच दे उत्ते एक बहुत वड्डा खिलवाड़ है। गुरु महाराज ने जिहड़ा 13-13-13 कीता सीगा उत्थे ऐ सारे मेरा 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 उस स्कीम नू जिहड़ी प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहला अनाउंस कीता भी 5 साल तई गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों नू फ्री राशन मिलेगा, 5 किलो कणक जिहड़ी है हर महीने बिना किसी पैसे तो हरेक परिवार को, लोड़वंद परिवार को 80 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों को मिलेगा। उसके अंदर पंजाब के अंदर ये बेनीफिशरी जोड़े है वो है 1 करोड़ 41 लख। पंजाब के 1 करोड़ 41 लख लोगों को मुफ्त अनाज मिले, उस अनाज को मुहैया करवा रही है बीजेपी की केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्कीम 5 साल तई चालू रखण का ऐलान किया भी इसे तरह चलती रहूगी, किसी को कोई पैसा लाने की लोड़ नहीं। हुण जिहड़ी स्कीम बनाई है जिन्हों अज तक नाम इन्होंने रखना है, क्योंकि दिल्ली के अंदर इन्होंने कोशिश की इनू मुख्यमंत्री योजना का नाम दिता सी, जिहड़ा दिल्ली हाई कोर्ट ने स्ट्रकडाउन करता सीगा। अज भी आई स्कीम्स चल रही है भी वो उत्ते प्रॉब्लम जिहड़ी आई खड़ी है महकमे के अंदर, मुख्यमंत्री साहब चाहते हैं भी वो जिहड़ा आटा पिया के भेजिया जाए वो उत्ते फोटो मेरी भगवंत मान जी की मतलब भगवंत मान जी तो केजरीवाल साहब की फोटो वो लगे, वो डायरैक्ट जिहड़े नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो कॉन्ट्रावेंशन है। जिस गाइडलाइन के तहत वो सारा कुछ होना है वो कॉन्ट्रावेंशन है। जिस तरह नैशनल हैल्थ स्कीम मिशन का पैसा सीगा वो कॉन्ट्रावेंशन हुई जो इन्होंने अपना नाम बदल के पंगा पाया, तो ये करीबन 2000 करोड़ रुपया सालाना केंद्र सरकार इस अनाज के उत्ते दे रही है जिहड़े लोगों नू इहदा बेनीफिट गरीबों नू जो लोड़वंद लोग आ उन्हां नू मिल रहा है। उस स्कीम नू हाईजैक किया जा रहा है, एक केस दर्ज होना चाहिए इन्हां दे सरकार के उत्ते हाईजैकिंग दा, दे आर हाईजैकिंग दी स्कीम फॉर देयर ओन पोलीटिकल गेन्स। तो कल्ले पोलीटिकल फायदे वास्ते नहीं, ये
ठगी का भी बहुत बड़ा स्कोप है। जिस तरह इन्हां ने राशन दियां जिहड़ियां दुकानां सीगियां उन्हां नूं बाईपास करन दी कोशिश कीती, जिहनूं लै के पंजाब दे सारे डिपू होल्डर जिहड़े सीगे ओह हाई कोर्ट भी गए। उत्थे 6 महीने पहलां इस मसले नूं रोकिया गया, हुण फिर नवीं स्कीम बना के उहनूं मॉडल फेयर प्राइस शॉप्स लै के उहदे विच मार्केट नूं इनवॉल्व कीता। पर मोटी जी गल है, सारे मसले दे अंदर करीबन 650 तो लैके 700 करोड़ रुपया वो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग वो लगेगा। आ पैसा तो सरकार मन रही है भी ये उत्ते लगेगा, पर ये अलावा मैं पूछना चाहना भी ये स्कीम की एडवरटीजमेंट के उत्ते कितना पैसा सरकार लगा के वाई वाई लुटनी चाहूगी। जे पिंडां दे सत्थां च बैठ के जिस तरह गल करते हैं, अगर इनू एक लाइन के अंदर समअप करना हो, संखेप च दसना हो, आहो ही कहानी है भी माल मालकां ना मशहूरी कंपनी दी कणक आनी है केंद्र तो वाई वाई लैने चाहते हैं भगवंत मान जी ते केजरीवाल साहब। ते जिहड़ी स्कीम बनाई है जिहदे विच दिल्ली दे अंदर इन्हां ने एक्साइज पॉलिसी दे अंदर 4 वड्डे जिहड़े एग्रीगेटर बनाए सीगे, जिन्हां नूं सीएफ की कहिंदे आ सीएनएफ बना के उस टाइप दे इहनूं 4 जोन दे अंदर वंड के अपने बंदियां नूं फिट करन दा इन्हां ने स्कीम बनाई है भी किस तरह इहदा भुगत भोगी कौन होगा। पैसे यह लै जाएंगे, भुगत भोगी गरीब होगा, क्योंकि सबनों पता है जिस किस्म का आटा पहुँचूगा उस आ जी सुस्तरी वाली समस्या। पहला भी इस किस्म का पंजाब के अंदर भी प्रयास होया आटा देने का, तो लोगों ने हथ खड़े करते लोगों के, क्योंकि सुस्तरी गरीब के घरे नाल दी नाल जो पै जाती है कोई उन्होंने को एडा है नहीं भी कंटेनर के अंदर संभाल के रख लैन। उस सुस्तरी वाली समस्या उन्होंने एक पासे रख के सिर्फ तो सिर्फ अपनी वाई वाई लैण के वास्ते आ सरकार एक स्कीम दे नाल छेड़छाड़ कर रही है जिहदी भुगतना पऊगा गरीब पंजाब दे लोकां नूं फाइनैंशियल ते पोलिटिकल गेन दे वास्ते। इहदे वास्ते असीं लोकां नूं जाके जागरूक करांगे ते इहदे डायरैक्ट जिहड़े इंप्लीकेशनस है उह भी मैं थोनू दसना चाहूँगा, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी क्लीनिक की गल की। तुसीं याद करो कुछ करीबन 1.5-2 महीने हो गए जदों केजरीवाल साहब पटियाला आए, उत्थे माता कौशल्या उस हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने 10 बैड का एक ICU विंग डेडिकेट किया, रेनोवेट करके उसका क्रेडिट इन्होंने लैण की कोशिश की, पंजाब के अंदर एक सेहतमंद पंजाब योजना चालू की। उस सेहतमंद पंजाब नूं लैके अज एक बड़ी वो ही हाईजैकिंग ऑफ स्कीम का जिहड़ा मसला सी उहनूं लैके अज एक होर खबर लगी है जिहड़ा मैं थोड़े सामने उहदे ते तबसरा पंजाब के लोग करन मैं इन्ना चाहना। 2-3 दिन पहला तो सारे ने देखा इज़राइल दे अंदर गाजा दे अंदर जिस तरह लड़ाई चल रही है हमास दे इज़राइल दे सोल्जर्स दे विचाले, उत्थे एक लोकां दे कालजे बलुंदर नाली पोजीशन जिहड़ी सामने सीगी हॉस्पिटल दे अंदर जिहड़े छोटे बच्चे सी नियोनेटल जिहड़े इनक्यूबेटर दे अंदर रखदे आ उहनां नूं कहिंदे जी उत्थे बिजली नहीं पहुँच रही, देयर इज़ अ लैक ऑफ फ्यूल, इस करके वो जिहड़े इनक्यूबेटर काम नहीं करे तो लोगों बच्चों उन्होंने गर्म रखने वास्ते हीटिंग सिस्टम जिहड़ा बना के रखना पैंदा। उत्थे तां लड़ाई चल रही है इज़राइल के अंदर जिहड़े टैररिस्टां नाल उन्होंने इज़राइल की आर्मी लड़ रही है। पंजाब के अंदर की चल रहा है साहब, आ एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है पंजाब का रजिंद्रा हॉस्पिटल, ये भी आई खबर है भी नियोनेटल इनफेंट्स इन द नियोनेटल स्टेज एंड द एल्डरली आर एट रिस्क बिकॉज उत्थे दा सेंट्रल हीटिंग सिस्टम एयर कंडीशनिंग सिस्टम फेल है। इट्स नॉट लैक ऑफ फ्यूल इन पंजाब, इट इज़ लैक ऑफ गवर्नेंस इन पंजाब, जिदे करके आ पंजाब दे एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट दा हाल बन रहा है। भी एक रजिंद्रा हॉस्पिटल दे अंदर जिते लोग अपने बच्चों लै के पहुँचते हैं सारे इलाज करा लोग पहुँचते हैं उहदा हाल है। तो इस किस्म का हाल इस किते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का आ किते ना बना देन, इहदे वास्ते सरकार नूं चेताया भी जाऊगा, लोगों नूं भी चेताया जाऊगा, तो असीं इहदा डट के पुरजोर विरोध करांगे, क्योंकि किते ना किते जिहड़े उहदी स्कीम दे नैशनल फूड सिक्योरिटी दे प्रोविजनज़ है दे आर नॉट इन उहदे विच इस किस्म की टिंकरिंग अलाउ नहीं हो सकती जिहड़ा कि आ सरकार करन जा रही है, तो उहदे खामियाजा गरीबां नूं भुगतना पवेगा। इहदे वास्ते आ थोड़े सारे सामने गल रखी है। थैंक यू।
Jafar sir, Delhi LG has already tweeted and blaming the stubble burning in Punjab is not able to be curbed, and that is one of the main reasons why the pollution level is rising in national capital. How do you see the tweet of Delhi LG? In addition to this, Manish Tiwari says that Punjab should not be blamed just because air quality of Punjab is very much high as compared to Delhi. So he is countering Lieutenant Governor of Delhi. Who is saying what is immaterial, sir? What I am concerned is what the Punjab government said in the Supreme Court. They have conceded it. They said that provided we are, the MSP is stopped and given on alternative crops, we can handle it. So they are trying to blame in the system of MSP given to paddy, and they are against it. Now that they had again to go next day in the Supreme Court to claim that we did not ask for removal of MSP, that shows all is not well. There is nobody who is in charge of this government. And that's what I said, this is what ails Punjab. There is no government, there is no governance, and Punjab is suffering, and along with it, Delhi is also suffering, sir. But Punjab is claiming that they have issued the red alert in Punjab, and police cases have been registered against the violators. Police cases, it's the same government which was saying, Aam Aadmi Party, before coming to power, Kejriwal said, let there be an Aam Aadmi Party government in Punjab, and there will be no problem about air pollution in Delhi. So what is happening to that? And why are the cases being registered? What policy decision have they taken? That is the question, sir. Knee-jerk reaction to such a fundamental issue cannot be a solution. Who is Advocate General of Punjab to make a policy decision in the Supreme Court that we will convert Punjab agriculture into primarily into maize cultivation? Is this a policy decision? The agriculture policy of Punjab is still awaited. Agriculture Minister Khudiyan Sahab has not a word to say on this, and whereas Advocate General of Punjab is making such a statement in the Supreme Court. Do you think that the government was able to curb this stubble burning menace in the state of Punjab? Do you think the proper equipment and machines are being given to the farmers? It is a far more complex problem than just the machines. The machines which have been given are not enough. This problem has to be tackled in a holistic basis. Farmers have to be provided with a financially viable, financially suitable, which does not hurt their income. This solution to the problem cannot be done at the cost of the farmer. It cannot be done at the cost of his earnings, which are already meager. They are already fighting for survival. Agriculture today is is a subsistence profession, if you call it a profession. For Punjab, it is a way of living. It's not just a profession which people sitting in Delhi and the bureaucrats look at it as a profession. It's not a profession. Sade vaste, a jeen marn da, a sada ek khoon de andar kisani hai. So that is the issue which needs to be handled on a holistic basis, for which Punjab government seems not capable, neither inclined to do this, nor they are capable of handling this situation. बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल बना के भेजा था जिसमें प्रोपोर्शनली जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि किसानों को कंपनसेट किया जाए पहली स्टबल मैनेज करने के लिए सब इनके रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल सब इनको देने से कौन रोक रहा था अगर आम आदमी पार्टी ने प्रपोजल बना के दिया था 2,500 रुपये का पर एकड़ देने के लिए किसानों को तो इन्हें रोक कौन रहा है साहब पंजाब सरकार भगवंत मान जी रोज कह रहे हैं पंजाब सरकार के पास पैसे की कोई काट है नहीं तो फिर वो पैसा देते क्यों नहीं किसान को साहब उन्होंने कहा था कि मूंग लगाओ बाकी और उन्होंने हरे के बाजरे के ऊपर कहा था मूंग के ऊपर कहा था मूंग की जो फसल खरीदी गई सिर्फ 12% लोगों की मूंग खरीदी गई है बाकी 78% लोगों ने उसके ऊपर बड़ा भारी नुकसान उठाया क्यों नहीं मैं कि भगवंत मान जी अपने इस बात के ऊपर खड़े उतरते क्यों वो आज भी कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है क्यों आज वो पैसे इतने हजारों करोड़ रुपया जो है एडवर्टीजमेंट के ऊपर लगा रहे हैं किसान को देने के लिए उनके पास नहीं है एमएसपी को उसका सलूशन बता रहे हैं कह रहे हैं कि एमएसपी जो है इंश्योर होना चाहिए बाकी को साहब मैंने एमएसपी बिल्कुल साहब एमएसपी इज ओनली अ टूल आपने एमएसपी की उन्होंने बाजरे का जो एडवोकेट जनरल साहब दे के आए हैं मैंने उसके एमएसपी के ऊपर कैलकुलेट करके बताया था कि बाजरे के ऊपर अगर एमएसपी मिलती है और जो आज धान के ऊपर भी एमएसपी मिलती है उसके अंदर करीबन 25,000 रुपये एकड़ का फर्क है
क्या किसान धुआं रोकने के लिए किसान का घर में चूल्हा ना जले? सबके आंखों में सबके पंजाबी जिवें कहिंदे ने पंजाब दे नासां च धुआं तां सारिआं नूं दिसी जांदा है, उसके घर में जो चूल्हा नहीं जलता सब उसका कौन जिम्मेवार होगा? ये अगेन ये मसले, इसको पूरा एक होलिस्टिक इसका व्यू लेना पड़ेगा। ये मसला जब तक सरकार गंभीर नहीं होगी, आज 15 दिन के बाद ये मसला ना आप पूछोगे ना सरकार बात करेगी, ये मसला एक कंटिन्यूस तरीके पे इस पे लेके इस पे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका ढूंढना पड़ेगा। सुप्रीमो है केजरीवाल, वो इनकम टैक्स महकमे च आया, उन्हें पता है आमदन कितों होती है, उस आमदन के चक्कर से उत्थे आप अंदर बैठे है, हुण जाण की तैयारी है, बाकी मंत्री साहबान अंदर बैठे है, इन्हां दी जाण की तैयारी है, तो आ जिहड़ी इन्हां दी नॉलेज है ना पैसे कित्थों इकट्ठे करने है, भी किस तरह एडवरटाइजमेंट दे के पैसे आपां वापस लै सकदे हां, किस तरह यह जिहड़े पबलिशिंग हाउसिज है या जो हैगे मीडिया हाउसिज है जिन्हां दे कोल वैब चैनल जिन्होंने बनाए है उन्हां नूं आ दित्ता जा सकदा ठेका, तुसीं कंटेंट क्रिएट करो, उहदे बाद नैक्सट स्टैप जिहड़ा है इन्हों जानकारी जी है भी क्यों ना अपना ही केबल चैनल ही चालू कर लीए। सो आ एक कड़ी के अंदर काम चल रहा है, पठान माजरा जी या कोई होर माजरा जी तो एवं ये एक कड़ी है, आ फैसले उतों दिल्लियों हो रहे हैं सब पैसे बनाने दी, क्योंकि उन्होंने जाच है वो कीमत किसी ना किसी चुकानी पेगी, पहला सिसोदिया साहब बैठे है, जैन साहब बैठे है, बाकियों का नंबर इतने पता नहीं कि लगन वाला है, इन्हों भी मीटिंग हिस्सा सगा उस एक्साइज पॉलिसी के अंदर किस मात्र दे गाज गिरूगी, पर इवेंचुअली मैं समझदा हाँ भी जिहड़ा जिन्हां नूं नॉलेज है पैसे कित्थों निकलते हैं किवें कढ़े जा सकते हैं उन्हां ते हुण टाइम आया, इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, डबल हो गया। अजे भी बहुत सारे कणक दे उत्ते झोने दे उत्ते साडे पंजाब नूं तां मिल रहा सब, बाकी सूबिआं नूं आ फैसिलिटी अजे नहीं अवेलेबल है, तो इत्थे पंजाब दे किसानां दी जिहड़ी समस्या है, क्योंकि पंजाब दे किसानां ने कुर्बानियां दित्तियां, जदों दिल अमेरिका तो लाल कणक मंगवाते होंगे सी, वो मसला जिहड़ा है वो ठोठरा जिहड़ा जाके मंगते होंगे सी, वो पंजाब दे किसानां ने कढ़े कीमत चुकाई है अपने पानी दी, अपने खून पसीने दी, अज उन्हां तो तुसीं MSP वापस लै लो, दूजियां दे बराबर कंपेयर करो नहीं हो सकता, उन्हां नूं किसानी लाहेवंद किस तरह बनाई जाए आ सोल्यूशन पालना पऊगा, किहड़ी फसल किस तरह लाई जाए जिहदे नाल किसान दे घरे उहनूं अपने बच्चे पढ़ाउण वास्ते, अपने बच्चों के अपना पैरां ते खड़े करन वास्ते, मकान बनाउण वास्ते उहदे कोल भी आमदन होए। MSP इज़ ओनली एक टोकन है, उहदे नाल इज़ नॉट अ सोल्यूशन, इट इज़ अ मीनस टू अ सोल्यूशन, वो सोल्यूशन पालना पऊगा बैठ के। देखिए सब बहुत ही गंभीर कहूं या बहुत ही चिंताजनक इल्ज़ाम एक के बाद एक सरकार के ऊपर लग रहे हैं, पंजाब सरकार के ऊपर। जे इन्हां दा पिछोकड़ ना देखिया हुंदा तां शायद कह देंदे भी कोई ना कोई राजनीतिक मंतव इहदे पिछे, पर इस सरकार दा पिछोकड़ देखिए, करप्शन सिर्फ पैसियां तां ही नहीं, इखलाक दी मोरैलिटी दी जिहड़ी करप्शन है उह इत्थे सरेआम सिर ते चढ़ के बोल रही है, गंभीर आरोप लगे जिहड़े जिन्हें भुगत्या गिनौने हैक्ट नूं उहनां नूं फुसला के वह विड्रॉ करवाई गई स्टेटमेंट। सरकार अपने जिहड़े मंत्री साहिबान है या उहनां दे लीडर साहिबान है उहनां नूं कटघरे च खड़े करन दी बजाय उहनां दी पैरोकार बनी बैठी है, इस करके इल्ज़ाम बहुत ही गंभीर नेचर दे है। मैं समझदा भी क्योंकि उन्होंने बार बार मजीठिया जी ने मुख्यमंत्री नूं कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, जल्दी तो जल्दी मुख्यमंत्री साहब नूं चाहिए भी अपने ऑफिस के थ्रू मजीठिया जी तो वो जिहड़ी है पेन ड्राइव जो है
पेन ड्राइव लैके इट शुड बी एग्जामिन्ड, तो उस तरह नहीं जिस तरह पहला एग्जामिन हुई सी कटारू चक जी वाली। इट शुड बी डन इन ए ट्रांसपेरेंट एंड ए बिलीवेबल मैनर, भी लोगों का विश्वास उठ गया सरकार के उत्तों। जिस तरह क्लीन चिट दिती गई है पहला मंत्री साहबान, उसते इस तरह की क्लीन चिट ना मिले, लोगों का विश्वास ये लिया जाए ताकि पंजाब के अंदर पंजाब का जोड़ा पंजाबियों का किरदार इस किस्म का सी, भी अगर बच्चे पुराने समय के अंदर कोई स्कूल कॉलेज भेजना होंगे या कित सफर से जा रहे होंगे तो गड्डी के डब्बे के अंदर एक पंजाबी बैठा होंगे, सिख पर बैठते तो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। तो कल मैं देख रहा सी बार बार मजीठिया जी कह रहे थे भी अज कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। तो इतने तो मैं लगता है भी बर्बादे गुलिस्तान को एक ही उल्लू काफ़ी है, इतने तो हूँ कि नंबर लगेगा दैट, क्योंकि आ मैं नहीं सी कहना बट इन्हों का पिछोकड़ देख के किन्ने मंत्रियों के हूँ तो ही हो सके, सब कोई है किसी ने गिनती की है कितों चालू होगा विजय सिंगला जी तो लैके कितने आके सरारी साहब तो कई साहब ये आ गए, कई नंबर आ गए, कई आने हैं। सो मैं समझदा पंजाब के लोगों नाल एक बहुत वड्डा धोखा होया है, एक ऐसा बदलाव लैके आए है, गवर्नेंस के अंदर बदलाव तो नहीं आया, मॉरल जिहड़े स्टैंडर्ड्स है उन्होंने अंदर बहुत वड्डा बदलाव अस जिहड़ी आम आदमी पार्टी लैके आई है, इस बदलाव तो पंजाब नूं वाहेगुरु बचावे, तो इन्हां लोगों की इस घटिया ओछी सोच तो पंजाब नूं पंजाब दे चैनल वाई A South Asian Canadian channel.